पर्सनल जवाब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आई हुई है वैकेंसी। बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये वैकेंसी दोबारा निकाली गई है, इसको रिवाइज किया गया है, इसलिए इसके डेट पर मत जाइए। इसकी लास्ट डेट जो है 31/7/2000 पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके 80 हैं। और इसमें आपका जो ब्रांच मांगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, CA, CFA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब आपकी मांगी गई है। बात करें अब ऐसे लीगल में देखा जाए, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है 6 और 28 है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा गया है। बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 5 और 17 है, इसमें आपका बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा आप देख सकते हैं, जिसमें 1 है। जिसमें बात करें अगर इंजीनियरिंग सिविल की, तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्मर। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो 1 और 3 इसमें टोटल पोस्ट है, और बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इसमें मांगा गया है। बात करेंगे रिसर्च की, तो इसमें टोटल पोस्ट आपके 1 और 1 मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सब आपके मांगे गए हैं। बात करें अगर ऑफिसर लैंग्वेज की, इसमें 1 पोस्ट है, जिसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आप ये देख सकते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज। बात करें एज लिमिट की, तो इसमें 29/2020 को आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 ईयर्स आपके 3 फेज में होने वाले। फेज फर्स्ट में ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, इसमें भी आपके फेज टू में भी ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, और फेज थर्ड में आपका अगर आपको पे कितना होगा आपका, तो 1,07,000 आपका विदाउट अकोमोडेशन होगा, एंड 73,000 पर मंथ आपका विद अकोमोडेशन। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, आप ये देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कहाँ आपको सुटेबल पड़ता है, वहाँ से आप वैकेंसी को भरिएगा। फिर सेकंड में कहाँ कहाँ के आपके एग्जामिनेशन सेंटर, ये भी आप अच्छे से देखिएगा। आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस।